आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव चंदूपुरा सिकमपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 28 किलोमीटर तो ब्लॉक से 16 किलोमीटर है। गांव वालों ने इन्हें इस बार फिर प्रधान चुनकर गांव की कमान श्रीमती शकुंतला देवी के हाथों में सौंप दी है। बताते चलें कि काफी लंबे समय से यह परिवार लगातार प्रधान चुनते चले आ रहे हैं। इनके विकास कार्यों से खुश होकर मुख्यमंत्री द्वारा भी सम्मानित किया गया है। चार वर्ष में किस तरह से इन्होंने गाँव को सजाया है और अभी भी क्या क्या समस्याएं बाकी है, आइए जानते हैं प्रधानपति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक स्वार के चंदूपुरा सिकमपुर गाँव में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। चार साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं लगभग, क्या क्या विकास कार्य आपने गांव में अब तक करवा दिए हैं? यहाँ पर जी गांव के रास्ते, किसी रोड है, इंटरलॉकिंग रोड, स्कूलों की बाउंड्री, गेट, स्कूलों में शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत हुई, उनमें फर्श वगैरह टाइल वगैरह लगवाए जी। कुछ हैंडपम्प भी हुए, 26 आवास भी बन चुके हैं मेरे यहाँ। तो काफी 6 गांव की पंचायत, काफी बड़ी ये पंचायत है आपकी। तो इसमें जैसे सरकार जो भी केंद्र सरकार योजनाएं चलाती है, क्या आपके जो 6 गांव यहाँ आपकी पंचायत में इसमें लगते हैं, तो 15,000 जनसंख्या है और 5,000 वोट आपने यहाँ बताए हैं, 5,500 वोट, क्या सभी लोग सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ सभी लोग ले पाते हैं? ज्यादातर यहाँ पर मेरी पंचायत में तो ज्यादातर लोग सरकार की योजनाओं का विद्युत कनेक्शन हुए और 426 शौचालय भी गाँव पंचायत ODF है, तो सरकार की योजनाओं का भी भरपूर लाभ मिला है। ये यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा और कुछ बारात घर, पंचायत घर, ये हैं आपकी पंचायत में? मेरे अभी मेरे समय में एक गौशाला का निर्माण हुआ जी, एक खेल के मैदान का निर्माण हुआ जी, पंचायत घर पहले से बना हुआ है, बना हुआ है। जी। और यहाँ पर 14 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 14 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 7-2। तो आपने सभी स्कूलों में सौंदर्यकरण करवाया है? सभी स्कूलों का लगभग मिड डे मील वगैरह या और कोई अगर वहाँ पर समस्या आती है तो आप समय समय पर जाकर निरीक्षण करते हैं सभी विद्यालयों में? कम से कम हर स्कूल में लगभग महीने में 1-2-3 बार जी स्कूल में जाना होता है। और प्रधान जी, आपने काफ़ी विकास यहाँ गांव में करवाया है, दिख भी रहा है, और जैसा कि अभी हमने देखा पंचायती राज विभाग से आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है अच्छे कार्यों के चलते, तो क्या आपने इसमें अपने स्तर पर कोई महत्वपूर्ण योगदान गाँव के विकास में दिया है, कुछ बताएंगे? जो सरकार जैसे योजना या सरकार घर आवंटित करती है हमें, उसका सही उपयोग हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, काम जो है मतलब ये उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जी, मतलब जैसा कि सरकार गरीबों के ग्रामीणों के लिए जो सरकार मुहैया कराती है वो 100% आप जो है जनता में जनता तक पहुँचाने का आपकी कोशिश रहती है। समय मैं प्रधान बना था तो 31 वृद्धावस्था पेंशन थी जी, आज लगभग 300 के आसपास हो चुकी है। मैंने जागरूक करा लोगों को, बताया ऐसी विधवा पेंशन सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? गांव को तो मांग तो हमारी तो यही रहती है, फिर रास्ते तो लगभग हो ही चुके हैं जी, कुछ कुछ ऐसे रह रहे हैं, विद्युतीकरण भी लगभग सब हो ही गया है जी। अब यहाँ पे क्षेत्र में जैसे डिग्री कॉलेज बन रहा है, वो तो है, हमारे जो हमारी बड़ी पंचायत है इसमें अगर सरकार एक इंटर कॉलेज जैसे बन जाए तो शिक्षा का उसमें काफ़ी शिक्षा में काफ़ी मतलब बदलाव आएगा, काफ़ी यहाँ लोगों को सावधानी मिलेगी। गवर्नमेंट अगर इंटर कॉलेज बन जाए तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। पानी वगैरह की तो दिक्कत यहाँ नहीं आती क्योंकि यहाँ देखा जाए ज़्यादातर एरिया में जो है पानी दूषित है, तो यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं? पानी की हैंडपम्प भी लगे हुए हमारे सरकारी, हमारी बोर्ड हमको जो खराब हो उसकी समय समय पर मरम्मत करवाते रहते हैं, देखते रहते हैं उन्हें अपने समय में, जैसे मुझे पता चलता तुरंत मिस्त्री बुलाओ। बाकी आपकी पंचायत में और कोई समस्या ऐसी सामने आती है जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार जो है खास तौर से ध्यान दे? इंटर कॉलेज आपने बताया जैसा कि इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? पशु चिकित्सालय है जी, और यहाँ पर एक समस्या और है, विद्युत केंद्र जो है टांडा में है, वो बहुत बड़ा उसका क्षेत्र है, एरिया बहुत बड़ा है जी। तो विद्युत बिजली की सप्लाई उससे बड़े केंद्र होने के नाते ज़्यादा उसका एरिया होने के नाते सही नहीं हो पाता, कम बिजली यहाँ पर। मैंने कहा भी था, वो आई भी थे, जगह का निरीक्षण करा था, पता नहीं फिर वो क्यों
उन्होंने समझा कि हमारा ग्राम समाज की जमीन मेरे पास है, अपने यहाँ विद्युत केंद्र बन जा तो गाँव की भी और क्षेत्र की भी काफ़ी मदद उनको मिलेगी। काफ़ी अस्पताल ग्राम पंचायत में आप जी अस्पताल नहीं अस्पताल नहीं है, एएनएम केंद्र है यहाँ पर, एक पशु चिकित्सालय है यहाँ पर, कमी है दवाइयाँ वगैरह मरीजों को मिल जाती हैं उस एएनएम केंद्र पर। हाँ हाँ, एएनएम केंद्र पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं मिल जाती हैं, हाँ उनको दवाई। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है और क्योंकि पिछले 40 सालों से लगातार इनका पूरा परिवार इस समाज सेवा में प्रधान पद पर कोई ना कोई कार्यरत है और समाज सेवा पूरी निष्ठा और निष्पक्ष भाव से जो है यहाँ ये समाज सेवा करते आए हैं और काफ़ी विकास गाँव में यहाँ करवाया है। पंचायत में हमने देखा भी है, सड़कें, सीसी टायर्स, नाला निर्माण, आवाज़ भी यहाँ लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी गाँव ओडीएफ हो चुका है। अब यदि यहाँ की समस्याओं की तरफ नज़र करते हैं तो यहाँ की प्रमुख समस्या जो है वो एक इंटर कॉलेज के लिए प्रधान यहाँ मांग रखते हैं कि यहाँ सरकार यदि मदद करे और सरकार एक इंटर कॉलेज यहाँ इस ग्राउंड में बना देती है तो यहाँ छात्रों को और लोगों को काफ़ी सावधानी इसमें मिल जाएगी और काफ़ी सुविधाएँ इसमें मिल जाएंगी क्योंकि इंटर कॉलेज दूर है, यहाँ से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा प्रधान ने यहाँ प्रमुख मांग रखी है विद्युत केंद्र को लेकर, यहाँ ग्राम समाज की जमीन मौजूद है, ये चाहते हैं, इनका मानना है कि यदि सरकार मदद करे तो यहाँ विद्युत केंद्र बनाया जाए जिससे गांव वालों की परेशानियाँ दूर हो पाएंगी। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24।